मैं जाके चीजें बेचनी पड़ती थी अपनी फीस के लिए. Because my father was a road sweeper. मेरे जो पिताजी थे वो सड़क पे झाड़ू लगाते थे. My mother was a maid. मेरी जो माँ थी वो एक नौकरानी थी. So I came from a very, very poor family. मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया था. I want to succeed. लेकिन मुझे सफल होना था लाइफ में. But I don't know the way. लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था. I still remember when I was qualified to pass the test for the entrance examination university. I passed the test. मैंने पास किया टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है वहां पर. My father say, my family say, congratulations. मेरे पिताजी ने, मेरी फैमिली ने मुझे कांग्रेचुलेट किया. But second words said, who pay for you? लेकिन तुरंत उसके बाद पूछा कि इसका पेमेंट कौन करेगा, इसके पैसे कौन भरेगा. Finally, my mother said, we must solve the problem. Maybe we can. I say, okay. Can you borrow me some money? Just like 500 rupees. मेरी माँ ने मुझे बाद में बोला कि ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कहीं से पैसे उधार ले लें, 500 रुपए उधार ले लें कहीं से हम लोग. Even my sister borrow me some, my father borrow me some, my mother borrow me some, 500 rupees. मेरी माँ कहीं से पैसे लेके आई, मेरी बहनें कहीं से पैसे लेके आई, मेरे पिताजी ने किसी से उधार लिया. इस तरीके से सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करे ताकि मैं कॉलेज जा सकूं. So I used the 500 rupees. I went to the market. I sold things. I want to run business. I want to earn my education fee. और मैंने उनसे सारे पैसे लिए, उनके 500 रुपए लिए, और मैं रात के बाजार में, वहां रात में एक मार्केट लगता है, वहां गया, बहुत सारी चीजें खरीद के होलसेल मार्केट, और वहां पर जाके मैंने वो चीजें बेची प्रॉफिट में ताकि मैं इतने पैसे कमा सकूं, अपना बिजनेस कर सकूं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं. So when I study in the university, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, in the daytime I study, और दिन में मैं पढ़ता था वहां पर, in the night time I don't want to depend on my parents, I say I will earn by myself. So every night I went to the night market. और रात में जो था, मैं अपने पिताजी पे, अपनी फैमिली पे निर्भर नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि दिन में पढ़ाई करी और रात में जाके मैं उसी नाइट मार्केट में जाकर चीजें बेचता था अपने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे करने के लिए. Even how poor I am, I don't care, but I love to help people. मैं कितना भी गरीब था उससे फर्क नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन मैं फिर भी लोगों की मदद करना चाहता था. So every night I went to the night market, I earned money. Then when I went back, almost midnight, every day. मैं हमेशा अपनी पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज के बाद रात में जाता था मार्केट में चीजें बेचने के लिए, और वहां से सब काम निपटा के जब मैं घर आता था तो लगभग रात के 12 बज जाते थे. But second day, early in the morning, I study again. लेकिन दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ जाता था, सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए दोबारा से मेरा कॉलेज शुरू हो जाता था. I still remember, और मुझे अभी भी याद है, when I was sophomore, second year in the university, और जब मैं यूनिवर्सिटी में दूसरे साल में था, one day, I went to the library. एक दिन मैं लाइब्रेरी में गया. And one schoolmate, और वहां पर एक स्टूडेंट था, he watched me with the shining eyes. और वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे. And suddenly, he came in front of me. और सडनली वो एकदम से मेरे सामने आ गए. He say, I want to introduce the best business to you. और वो मुझे आके बोलते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस आपको बताना चाहता हूँ. He say, you can change your life, you can become rich. उसने मुझे बताया कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आप अमीर बन सकते हो. Then he showed me the catalog. फिर उसने मुझे कैटलॉग दिखाया, एक Amway catalog. वो था Amway catalog. Amway business just started in Amway just started in Taiwan. उस वक्त Amway business कुछ महीनों पुराना था ताइवान में बस. So we don't have many, many products. तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे नहीं उस वक्त. We only have eight products. हमारे पास सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स थे बस. All cleaning products. सब साफ सफाई के प्रोडक्ट्स थे. Only one catalog. सिर्फ एक कैटलॉग था बस. Eight products inside. उसमें खाली 8 प्रोडक्ट्स की तस्वीरें थी बस. He say, cleaning products can change your life. उसने मुझे बताया कि ये सफाई के प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. Oh my God. मुझे विश्वास नहीं हुआ. He say, no pressure. No Amway, no pressure. Amway, no pressure. No burden. उसने बोला, Amway business में कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप बस साइन कर दो. So I say, no pressure. मैंने बोला कोई दबाव नहीं है. Okay, I sign up. ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ. Only 5 minutes. 5 मिनट लगाए बस मैंने. And after sign up, I want to go. साइन करने के बाद मैं वहां से चला गया. He say, wait. उसने बोला रुक जाइए एक सेकंड. I say, for what? किस लिए? Pay 1000 rupee. उसने बोला पहले 1000 रुपए पे कर दीजिए. Wow. I already signed up.
मैंने तो साइन भी कर दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म पे. I say, to do the business, I have to pay money. बिजनेस करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे आपको. He said, yes. उसने बोला हाँ. But only once. सिर्फ एक बार. 1,000. 1,000 रुपीस. The best way is keep him 1,000. फिर मेरे को लगा कि छुटकारा पाने के लिए 1,000 रुपए कम है, तो मैंने उसको फटाफट दे दिए. Never see this guy again. सोचा कि उसके बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं. I hate you. मुझे आपसे नफरत है. So I think pay 1,000. I was so unlucky. Today I was so unlucky. और मैं उस दिन घर जाते जाते सोच रहा था कि आज मेरे 1,000 रुपए निकल गए. आज का दिन बहुत खराब है, बहुत खराब है. I lose 1,000. आज मैंने 1,000 रुपए का मेरा घाटा हो गया. Oh my God, I was so poor. Why I lose money? Why I was so kind? और मैं सोच रहा था कि मैं वैसे ही इतना गरीब हूँ, भगवान ने मुझे 1,000 रुपए का चूना और लगवा दिया. Anyway, I say, okay, no more this guy. I don't want to see this guy anyway. मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगा, इस आदमी को कभी नहीं मिलूंगा. So I think that day is ending. For Amway, it's ending. But suddenly, that's beginning. मुझे लग रहा था कि वो दिन मेरा अंतिम दिन होगा इस बिजनेस का, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस दिन तो शुरुआत थी. People call you 10 times. You always say no. I'm not polite. और मुझे लगा कि वो 10 बार फोन कर रहा है, मैं 10 बार मना कर रहा हूँ, मैं मतलब पोलाइट नहीं हूँ, मुझे 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 कुछ ना कुछ की मदद करनी चाहिए. So I promised that guy. So okay. When? You tell me. I only attend once. और मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मुझे बताओ मीटिंग के लिए, मैं सिर्फ एक बार आऊंगा मीटिंग में बस. I will satisfy you once. मैं आपको एक बार खुश कर दूंगा बस. But no more. उसके बाद नहीं. He said, okay. उसने बोला ठीक है. Then I went there. मैं वहां चला गया. I just, you know, don't go went to, I don't went to, I sacrifice, you know, one night. मैंने अपनी जिंदगी की एक रात गवाने का फैसला किया. Sacrifice. एक रात गवाने का. Because I cannot went to the night market. क्योंकि उस दिन मैं उस नाइट मार्केट में, रात के बाजार में नहीं जा पाया जहां मैं अपनी सामान बेचता था, पैसे कमाता था. But I feel very strange. लेकिन मुझे कुछ अंदर से अजीब महसूस हो रहा था. Why these people selling soap with a tie? मुझे लगा कि यहाँ लोग साबुन और साफ सफाई के काम टाई पहन के क्यों बेच रहे हैं. The lady wore the night gown. एक औरत बहुत अच्छे कपड़े पहन के बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी स्टेज पे आके. So why selling soap? You have a with a night gown? मुझे लगा कि ये नाइट गाउन और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लेडी जो है स्टेज पे क्यों मटक मटक के चल रही है, अगर उसको सिर्फ साबुन बेचना है तो. Because they have, you know, they just like a model. So many, wow, why so many people, high class, they also selling soaps. मुझे लगा कि इतने high class लोग, इतने अच्छे-अच्छे लोग जो है, सेट पे क्यों आ रहे हैं, अगर ये सब को साबुन बेचना है सिर्फ. Then I just listen. और मैंने ध्यान से सुना. I will listen carefully. बहुत ध्यान से सुना. Anyway, nothing loose. कुछ खोने को तो था नहीं वहाँ पर. Already be here. मैं वहाँ तो आ चुका था. Just fight for last minutes. बस आखिरी मिनट तक सुनते रहो. So I listen last minutes. लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक मैं सुनता रहा. During 2 hours. 2 घंटे. Those 2 hours, I changed my mind. 2 घंटे मेरा दिमाग जो था पूरा बदल गया. Suddenly I understand what is Amway is all about. और मुझे समझ आ गया एकदम से कि Amway क्या है. That night I cannot sleep. उस रात मैं सो नहीं पाया. How can I sleep? कैसे सो सकता था? That's my dream. ये तो मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था. I can through Amway fulfill my dream. Amway के द्वारा मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ. I make decision. मैंने निर्णय लिया. I say I will succeed. मैं सफल होके रहूंगा. I want to know more details about Amway. मुझे इस बिजनेस की एमवे की और डिटेल्स जाननी है. Then I beg my sponsor. मैंने अपने स्पॉन्सर को बैक किया, गिड़गिड़ाया. So I went to the dormitory. I listened carefully about the marketing and the sales plan. और मैं उनके हॉस्टल में कमरे में गया और उन बहुत ध्यान से मैंने सुना उनका सेल्स और मार्केटिंग प्लान जो वो एमवे का मुझे बता रहे थे, समझा रहे थे. I make, you know, I listened so carefully, step by step. और मैंने इतने ध्यान से सुना, step by step. You know, he want to sleep. उसका सोने का मन था उनका. But I don't want to. लेकिन मेरा नहीं था. So I forced, please tell me more. और मैंने इनको फोर्स किया, और बताइए, please, और बताइए. He from 3% to Crown Ambassdar.
3% से क्राउन एम्बेसडर तक सब बताने को बोला मैंने उनको उस वक्त. Then at that night I make decision. उस रात मैंने एक निर्णय लिया. I say I will become crown ambassador. मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा. No matter how long, but I have a time limitation. I say, no matter how long, at least within 20 years, I will become crown ambassador. I say that to myself. Then I wrote a book. Even the record today, still there. So, promise is a promise. 27 years ago, I make my promise, I will become crown ambassador. But now, I am crown ambassador. 27 साल पहले मैंने अपने से एक वादा किया था. मैंने एक टाइम लिमिट डाली थी अपने ऊपर कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है. और मैंने उस वक्त कहा था, लिखा था एक जगह पे डायरी में कि मैं 20 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनूंगा. और प्रॉमिस जो होती है, वादा हो जो होता है, वादा होता है, मैंने वो वादा निभाया 27 साल पहले का. और आज मैं क्राउन एम्बेसडर हूं. माय अपलाइन सेड टू मी आई हैव टू ओवर माय ऑब्लिगेशन इन आर्मी 2 इयर्स. वहां पर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि मुझे आर्मी में ड्यूटी देनी है 2 साल के लिए. तो मैं आर्मी की ड्यूटी के लिए अब 2 साल के लिए जाने वाला हूं. इन 2 इयर्स आई ऑलमोस्ट कैन नॉट सी माय अपलाइन. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वो निर्णय लेने के बाद 2 साल तक अपने अपलाइन की शक्ल नहीं देखी. नो फोन कॉल. कोई फोन कॉल नहीं आया मेरे पास. नो इन्विटेशन. कोई इन्विटेशन नहीं आए. नो हेलो. कोई हेलो भी नहीं हुआ उनसे. 2 इयर्स. 2 साल. बट आई नेवर कंप्लेन. लेकिन मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया. आई हैव टू से थैंक्स. मैंने सिर्फ उनको थैंक यू बोला. बिकॉज लास्ट डे ही वेक मी अप. क्योंकि जाते जाते उन्होंने मुझे जगा दिया था. ही लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज एमवे इज ऑल अबाउट. उन्होंने मुझे समझा दिया था कि एमवे बिजनेस क्या है. आई वेंट टू द सेंटर बाय माइसेल्फ. मैं उसके बाद अपने आप आगे बढ़ने को तैयार हो गया. आई वेंट टू द एमवे ऑफिस बाय माइसेल्फ. मैं एमवे ऑफिस खुद अकेले गया उसके बाद. आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय माइसेल्फ. उसके बाद मैंने बहुत कुछ काम अकेले अपने आप किया. आई नेवर अबेंडेंट. मैंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं. Never think about that. सोचा भी नहीं उसके बारे में. But in the first month, लेकिन पहले महीने, I remember, मैं मुझे याद है, when I want to share with my friends, जब मैं अपने फ्रेंड्स के बाद गया शेयर करने के लिए, nobody joined. किसी ने ज्वाइन नहीं किया. No one, even my sister don't join. किसी ने भी नहीं. मेरी बहन ने भी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया. Oh my God, only me want to do Amway. Nobody want to do Amway. और मुझे लगा भगवान क्या है ये कि सिर्फ मैं ही बिजनेस करना चाहता हूँ और कोई बिजनेस नहीं करना चाहता. I do Amway every day, every night. I should say every night. Once I have time, I do Amway. Once I have time, I do Amway. From first day to end of the month. 30 days. 30 days. No one sign up. और मैंने हर रोज ये बिजनेस किया. सुबह का जाता था अपने पढ़ाई के लिए. रात में मैं ये प्लान दिखाता था. मैंने लोगों से बात करी. पहले दिन से लेकर 30th day तक मैंने ये बिजनेस हर रोज किया. लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ. एक भी आदमी जुड़ने को तैयार नहीं हुआ. I think so many people also face this kind of problem. मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये फेस करना पड़ता होगा, है कि नहीं? I face the same problem like everybody. लेकिन मुझे भी आप लोगों की तरह सेम संघर्ष करना पड़ा. Because I was poor. क्योंकि मैं गरीब था. I had no money. मेरे पास पैसे नहीं थे. No capital. मेरे पास कोई कैपिटल नहीं. No good car. मेरे पास पूंजी नहीं थी. अच्छी गाड़ी नहीं थी. कोई बाइसाइकिल भी नहीं थी मेरे पास. Nothing at all. कुछ भी नहीं था मेरे पास. No nice clothes. अच्छे कपड़े पहनने को नहीं थे मेरे Who पास. Believe me? कौन मुझे विश्वास करेगा? Seems no one believe me. लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है मुझ पे विश्वास करने को तैयार नहीं है. So the first month, the last day, I tell you, the last day, my primary school schoolmates, finally, I beg him to sign up. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले महीने के आखिरी दिन मैंने अपने जो हाई स्कूल के अपने एक प्राइमरी स्कूल जो नर्सरी टाइप का स्कूल था उसके मैंने अपने एक दोस्त को मैंने गिड़गड़ाया उसको कि यार प्लीज ये बिजनेस साइन कर लो मेरे साथ. आई सेड टू माय स्कूलमेट्स. मैंने अपने क्लासमेट को बोला टुडे यू साइन अप. आज तुम साइन कर लो. टुमॉरो जस्ट टर्न इट बैक. कल वापस कर देना. पैसे ले लेना. If you this action, you encourage me. क्योंकि तुम्हारे साइन करने से मैं इनकरेज हो जाऊंगा आज की रात. I face a lot of problems. उस वक्त मुझे बहुत problems का सामना करना पड़ा. But I never want to abandon. लेकिन मैं अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं चाह रहा था. After 3 days, the wife says something to me. 3 दिन बाद relationship बनाने के वहां पर आने के 3 दिन बाद पत्नी ने मुझे कुछ बोला. Mark Lee, I know you are very kind. मार्क ले, मुझे पता है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं. I cannot do Amway. लेकिन मैं Amway नहीं कर सकती हूँ.
But I will introduce my schoolmates to you. लेकिन मैं अपने क्लासमेट्स को आपसे मिलवा सकती हूँ. Oh my God, I feel so happy. उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया. Because that's my purpose. क्योंकि वो मेरा पर्पस था. So he introduced the wife's schoolmates to me. तो उसने अपनी पत्नी के स्कूलमेट्स को मुझसे मिलवाया. The wife's schoolmates sign up. वाइफ के स्कूलमेट ने साइन किया. Now this line have one EDC, one time, two diamond. और आज उस लेग में एक EDC executive diamond और दो diamond है उस लेग में जो मैंने वहां से शुरुआत करी थी. 200 platinum. 200 platinum direct distributors हैं. One leg. उसी एक लेग में जो वहां से शुरुआत हुई थी ऐसे उसकी. So the second month I sponsor two people. Number three I sponsor six people. So, 6 months, I become silver producer. दूसरे महीने मैंने बिजनेस में दो लोगों को स्पॉन्सर किया था. तीसरे महीने छह लोगों को स्पॉन्सर किया और छह महीने में मैं क्या बन गया? सिल्वर प्रोड्यूसर. I tell you, till today, from that month till today, I never drop. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस महीने से लेके आज तक मेरी वॉल्यूम कभी भी नीचे नहीं गई. I still remember because every day I work so hard. I serve customer every night, sometimes 3 cases a day, a night, 3 cases. I come here, I go there. So in the beginning, even I afford a small bicycle, small motorcycle. I come so many places, I just pay a visit. So ladies and gentlemen, when I was sick after 6 months, my customer, my downline, my group have over 500 people. Wow. मैंने उस वक्त जब अपना ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल होती थी और मैं उसमें जाके लोगों को सर्व किया करता था, अपने कस्टमर्स बनाता था, अपनी मोटरसाइकिल पे चीजें रख रख के लेके जाया करता था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कार खरीद सकूं. और भाइयों बहनों आपको पता नहीं है कि लेकिन मैंने उन छह महीनों में सिल्वर जाते जाते कम से कम 600 कस्टमर्स बना लिए थे. सो माई इंडियन डियर फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हियर, अंडरस्टैंड. So many people outside, they don't understand. They think Amway always very difficult. I know Amway is difficult, but the value is here. It does pay. Because after 6 months, I work so hard, I never withdraw. I come again, I do that again and again, again and again. तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया में लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है. बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाँ मुश्किल है. मैंने छह महीने में बहुत मेहनत करी. मैं जाता था और लोगों को बताता था और वापस आता था. मैंने लोगों को सर्व किया, प्रोडक्ट दिखाए, डेमो दिखाए, मैंने सब काम किया और मैंने बार बार किया, बार बार किया. बट प्लीज कम डाउन एंड थिंक, इवन सो मेनी पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी. If you are the freshman, just graduate out of school, how much money you can earn every month in a daytime job? You spend 4 years study, or you spend another 2 years master degree, even doctor degree, how much money in the daytime the company will give you? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज पर जाते हो, एक डिग्री हासिल करते हो और वहां से निकलते हो ग्रेजुएट करने के बाद, तो आपको दिन की एक डे टाइम जॉब में कितने पैसे मिलते हैं सारा दिन काम करके हर महीने? और अगर आपने 2 साल मास्टर्स डिग्री कर ली, आपने पीएचडी भी कर ली, तब भी एक एवरेज मास्टर्स ग्रेजुएट और पीएचडी ग्रेजुएट को एक नई जॉब में पूरे दिन काम करने के बाद कितना मिलता है? एमवे इज हार्ड. एमवे बिजनेस जो है मुश्किल है, मैं कहता हूं मुश्किल है. But outside traditional business, even harder. लेकिन बाहर की दुनिया में traditional business में चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हैं. I don't care outside people, whether they believe you or not. I don't care other people, they trust me or not. I care my future. You have to care your future. मुझे नहीं मालूम कि बाहर के लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं. मुझे नहीं मालूम कि बाहर के लोग जो है ये करेंगे कि नहीं करेंगे. मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसकी परवाह करनी चाहिए. In my group, so many poor family, they sign up under me. Now they can afford car, they can afford beautiful house, they travel all over the world. They become a multi-millionaire.
मेरे बिजनेस में डाउनलाइन में मेरे ग्रुप में बहुत सारे गरीब परिवारों ने बिजनेस शुरू किया था और आज की तारीख में वो सब के सब लोग जो है बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं और उनके पास बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। But before they are poor. लेकिन पहले वो लोग गरीब थे, they're very poor. बहुत ज्यादा गरीब थे। I say don't care now how poor you are, but we have to care your future, how rich your future it is. और मैंने को बोला कि बताया कि मुझे परवाह नहीं कि आपका 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 पास क्या है, आप कितने गरीब हो, मुझे पता है कि आपका भविष्य जो है बहुत ही सुनहरा होने वाला है। So we can love our family now. इसलिए हमें अब हम अपनी परिवार से बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं अब। That's because Amway. ये हुआ ये सब किस लिए? Amway की वजह से। Do you have a big dream? आप लोगों के पास बड़े सपने हैं? Do you want to succeed? आप लोगों को सफल होना है? Do you want to succeed? आपको सफल होना है? I will teach you more. अब मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। Okay, please. Why I can succeed? I tell you something. अब मैं आपको सफलता के लिए कुछ चीजें सिखाऊंगा, बहुत जरूरी। Just PowerPoint, would you please? एक PowerPoint slide. Okay, the first you must have a clear decision. Tonight, make your decision now. आज आप लोग एक बहुत ही क्लियर साफ निर्णय करके जाइएगा। Do you make your decision from tonight on? आज रात आपको आज रात आपको निर्णय करके जाना है। Once you make your decision, एक बार आपने निर्णय कर लिया, you must know why to do. उसके बाद आपको जानना है कि क्यों करना है आपको कोई भी चीज। Only find one reason, then you can succeed. अगर आपको एक भी कारण मिल जाएगा कामयाब होने का, उसको ढूंढिए। You must know why to do Amway. आपको जानना चाहिए कि आपको Amway क्यों करना है। You must always remember why you to do Amway. हमेशा याद रखिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। Why you choose Amway? क्यों आपने इस बिजनेस को चुना? Once you make decision, you want to do the reason. You know the reason, then you have the second. Then you want to do Amway. जब एक बार आपको अपना करने का कारण मिल जाएगा, उसके बाद आप दूसरी जगह पे जाएंगे जो है कि ये बिजनेस। Once you have designed your mind, you have the second circle. You want to do Amway. उसके बाद आप ये बिजनेस खुद करना चाहेंगे, आपको बिजनेस करने का मन करेगा। You will sacrifice a lot of other things. फिर उसके बाद जो है जिंदगी में आप लोग जो है बहुत ही चीजों को पीछे रखकर इस बिजनेस के लिए टाइम निकालेंगे, इस बिजनेस को करने का आपका मन होगा। You only focus 3 years. सिर्फ 3 साल फोकस करो इस बिजनेस पे। You focus 3 years. सिर्फ 3 साल फोकस करो इस बिजनेस पे। Every day do Amway. हर रोज Amway बिजनेस करिए। Every day do Amway. हर रोज इसे बिजनेस करिए, Amway बिजनेस करिए। If you can do that, अगर आप कर सकते हैं, you know how to do Amway now. उसके बाद आप Amway करना सीख जाएंगे। After, no matter you don't know nothing, but you can continue. Just do. आपको नहीं पता कि क्या करना है, तब भी कुछ ना कुछ करिए, हर रोज कुछ ना कुछ करिए, करते रहिए। After 3 years, check your bank account. 3 साल बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना आप लोग। Check your bank account after 3 years. अपना बैंक अकाउंट चेक करना 3 साल बाद आप लोग। You have another good income. आपके पास एक और बहुत बढ़िया इनकम होगी। So you must have the habits. इसलिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अच्छी आदतें आपके पास होनी चाहिए। So the three circle, the intersection is good habits. तो तीनों सर्कल जहां मिलते हैं उसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छी आदतें बनाई हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। Because you already have the good habits now. क्योंकि अब ये सब करते 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 आपकी अच्छी आदतें बन गई होंगी। Once the good habits equal success. एक बार आपकी बिजनेस में अच्छी आदतें बन गई, इसका मतलब है कि आपको सफलता मिलेगी। Some people still don't mind. कभी कभी लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनको कुछ क्लियरली दिखता नहीं है, उनका माइंड क्लियर नहीं है। Because they never use their mind. क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। If you want to succeed, you must use your mind. अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। Use your mind. अपना माइंड यूज करिए। So the first M is must use your mind. माइंड M-I-N-D में M का मतलब है कि अपना माइंड यूज करिए। मस्ट यूज योर माइंड। सेकंड, इन फोकस। दूसरा, आपको हमेशा फोकस में रहना होगा इस बिजनेस में। डोंट केयर अदर पीपल्स वांट टू डू ऑर नॉट। बाकी लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ परवाह नहीं है। आपका फोकस, आपका लक्ष्य। डोंट केयर, जस्ट फोकस इन एमवे। लोगों की परवाह मत करिए, फोकस रखिए। देन नंबर 3, N इज नंबर्स। N का मतलब नंबर्स। If you want to succeed based on numbers, how many times you present Amway's marketing and sales plan to your friends? अगर आपको सफलता चाहिए इस बिजनेस में तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कितनी बार प्लान दिखाया है हर रोज। How many more products you used? कितने प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं घर पे, कितनी प्रोडक्ट डेमो करते हैं। If you use more, you share more, you earn more.
अगर आप लोग स्मार्ट हैं और आप ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाने को. वंस यू नो द प्रोडक्ट्स, यू लव द प्रोडक्ट्स, यू कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल यूज एमवेज प्रोडक्ट्स. एक बार आपको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, आपने यूज करे, आपको रिजल्ट्स मिले, उसके बाद आप बहुत से लोगों को ये प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं. देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. फिर आप बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे. बट डू इट राइट नाउ. लेकिन ये सब अभी करना होगा. यू अंडरस्टैंड टुनाइट. आज आप लोग समझ सकते हैं. सो डू इट राइट नाउ. आज करिए. राइट नाउ. अभी. राइट नाउ. अभी. Do what? You have to attend a meeting. You have to learning products. You have to learning a lot of things. Products demonstration and present Amway plan. आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स की सही तरीके से डेमोंस्ट्रेशन, कैसे लोगों को पेश करने प्रोडक्ट्स. The second section is passion. उसके बाद है आपको चाहिए इस बिजनेस के लिए पैशन. If you want to succeed, अगर आपको सफल होना है तो आपको पैशन चाहिए. You must show people the face. You are happy. आपको इस बिजनेस में लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए. Always happy. हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए. You change yourself first. पहले आप दिखाइए कि आप अपने आप को बदल चुके हैं. Then you can influence others. उसके बाद आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे. If you don't change yourself, अगर आप खुद नहीं बदलेंगे, you can never change others. आप किसी को नहीं बदल पाएंगे. With passion. आपको पैशन के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा. Passion is not one day. पैशन एक दिन में नहीं आएगी. Not tonight. आज नहीं आएगी. And tomorrow, that man. ऐसा नहीं कि आज पैशन है और कल नहीं है. So many people tonight, so excited. Tomorrow, forget it. बहुत से लोग आज यहाँ पर हैं, बहुत ही excited हैं. कल क्या होगा? पता नहीं. So never do that. कभी ऐसा मत करिए. What is so called passion? हमेशा passionate. The first P. उसके बाद passion का जो पहला P है. The P is perseverance. Even passion, you must perseverance. Passion का सबसे पहला P है perseverance. यानी passion को आप डटे रहिए, लगातार बने रहिए. One year, two years, 10 years, always passion. Always एक passion. साल, दो साल, तीन साल, दस साल, हमेशा अगर जुनून है तो जुनून बने रहना चाहिए. Don't use your mouth. Use your action. The second A is action. दूसरा A जो है उसका मतलब है action. So अपना सिर्फ बोलिए मत, करके दिखाइए. So many people say, oh, I want to do it, I want to do it, I want to do it. No action. बहुत से लोग बोलते हैं मुझे करना है, मैं करूंगा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करते हैं. Amway is good, Amway is good, Amway is good. No action. एमवे बहुत अच्छा है, एमवे बहुत अच्छा है, एमवे बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं करते. The action is the best policy. काम करके दिखाइए अगर आपको दिखाना है कुछ तो. The action is the best way. एक्शन जो है, काम जो है, वो सबसे बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का इसमें. Anyway, do something. The number three, S, sincerity. पैशन का तीसरा एस है सिंसियरिटी. I'm here, sincerity to you. Sincerity का मतलब क्या है? You can see my heart. सच्चाई. You can see my heart. आप, मैं इतना सच्चा हूँ, मैं इतना ट्रांसपेरेंट हूँ कि आप मेरा दिल देख सकते हैं कि जो मेरे दिल में है वो मेरे जबान पे है, मेरे चेहरे पे है. Okay. Simple. तीसरा सिंपल. यू मस्ट कीप सिंपल. हर चीज को बहुत ही डोंट थिंक टू मच. सिंपल रखना है. इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन. We must work together. मतलब हम लोगों को साथ मिलके काम करना है. We are Amway people. हम सब के सब लोग जो है Amway की टीम में हैं. We must love each other. हम सबको एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं. We love each other. हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं. One day you have your group. आपका ग्रुप है. You have to love your group. आपको अपने ग्रुप से प्यार करना पड़ेगा. So everybody in cooperation. सब के सब लोग जो है कॉपरेशन में काम करते हैं. Then powerful. उससे बहुत ज्यादा पावर मिलेगी लोगों को. So incorporation is very important. Optimism. Optimism. No matter you face the problems or you miss, your people refuse you, always with the optimism idea. आपको हमेशा सकारात्मक रहना है. प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें, हमेशा खुश रहें. Numbers. If you do that more, 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 then you can succeed. अगर आप ये सब चीजें बार 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 करते हैं आप सफल होंगे. The method of success number three is dream. तीसरी चीज ड्रीम. सपने बहुत जरूरी है. ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रीम बहुत जरूरी है. सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ ड्रीम फुलफिल. बहुत सी चीजें लाइफ में मिलती है क्योंकि हमारा एक ड्रीम है. सो द ड्रीम इज डी आर ई ए एम. ड्रीम का मतलब है डी आर ई ए एम. द फर्स्ट डी इज डिजायर. पहला मतलब डिजायर. यू मस्ट हैव अ डिजायर. आप सब लोगों की कुछ ख्वाहिश होनी चाहिए. डू यू हैव अ डिजायर. कोई दिली ख्वाहिश है आपकी? डू यू हैव अ डिजायर. Do you have desire? Yes. You must have a desire. आप सब लोगों की दिली ख्वाहिश होनी चाहिए. You can succeed. Recite tonight because you remember.